नमस्कार, अर्थनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनिया सिंह। अर्थनीति एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हम बात करते हैं उन आर्थिक विषयों की जिनका होता है आपसे सरोकार। आज बात कारों के बाजार की। हम सभी का मन करता है कि हमारे पास जल्द से जल्द एक कार हो जाए। कार कंपनियों की भी कोशिश रहती है कि हर बजट के लिए उनके पास कोई कार हो, लेकिन पिछले कुछ सालों के बिक्री के आंकड़ों पर नजर डालें तो कार का बाजार उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहा जिस रफ्तार की उम्मीद की जा रही थी। जैसे 2013-14 में 25,03,000 से ज़्यादा कारें बिकी थी, 2014-15 में करीब 26,00,000 कारें बिकी, 2015-16 में ये संख्या 27,90,000 के करीब पहुंच गई, 2016-17 में 30,47,000 के करीब कारों की बिक्री हुई, 2017-18 में 32,88,000 के लगभग कारें बिकी, जबकि 2018-19 में 33,77,000 के करीब कारों की बिक्री हुई। इस साल का अप्रैल का महीना कारों की बिक्री के लिहाज से बहुत खराब रहा, जब इसमें पिछले साल की तुलना में 15.9% की गिरावट देखी गई। लेकिन इस गिरावट भरे माहौल में भी कार कंपनियों के हौसले बुलंद रहे और कई नए लॉन्चेस देखने को मिले, जैसे टाटा की हैरियर, हुंडई की वेन्यू और नई सेंट्रो, महिंद्रा की XUV 300। तो आखिर कार का बाजार किस ओर जा रहा है? क्या बिक्री में आ रही कमी जारी रहेगी? क्या इस कमी से उबरने के लिए कंपनियों के बीच प्राइस वॉर छिड़ेगी? इन सभी पहलुओं पर बात करेंगे आज की अर्थनीति में। कारों के बाजार पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान, जगदीश खट्टर जो मारुति उद्योग लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं, और साथ ही हैं विंकेश गुलाटी जो फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं। स्वागत है आप दोनों का। खट्टर साहब, आपसे शुरू करेंगे। पिछले 6 साल से कार बाजार सुस्त है, क्या वजह है? सुस्त तो नहीं कहेंगे, वो बढ़ा नहीं है जिस तरह से बढ़ना चाहिए, और पिछले साल थोड़ा सा और धीमा हो गया है। देखिए, कारण बहुत हैं। मोटा मोटा ये है, कार ग्रोथ इज़ लिंक टू इकॉनमी, GDP, उसके बारे में देयर इज़ अ डिबेट, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में डिबेट है। दूसरा देखिए, कम क्या हुआ है, ग्रोथ नहीं हुआ है। अगर पहले कार इंडस्ट्री में होता था कि 1/3 लोग थे नई खरीदते थे, 1/3 एडिशनल खरीदते थे, 1/3 सेकेंड खरीदते थे, अब इसमें से कोई आदमी थोड़ा सा कम कर दे तो ओवरऑल ग्रोथ कम हो जाती है। आज मेट्रो में शहरों में चले जाइए, यू हैव अ पार्किंग प्रॉब्लम, आप RW में रहती हैं, एक अलाउड है, दो अलाउड है, नहीं है, यू हैव कंजेशन, सो पीपल आर बिकमिंग, फिर उसकी जगह पे ओला। हम अपनी फैमिली में सोच रहे हैं कि एक गाड़ी कम कर दें जिससे कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो ओला वगैरह चला लेंगे। सो दैट इज़ अनदर थिंग दैट इज़ अफेक्टिंग द कार इंडस्ट्री। और अनसर्टेंटी ओवरऑल, आई थिंक इट्स अक्रॉस, आज तो देख रहे हैं कि FMGC का भी प्रॉब्लम हो रहा है, इसमें सब इशू है। और सबसे तो मुझे सरकार का ये लगता है कि सरकार के नी जर्क रिएक्शन बहुत हैं। कहाँ आप देखिएगा, डीजल चलेगा या नहीं चलेगा, 10 साल होगा या 15 साल होगा, 2000cc होगी या नहीं होगी, जो Euro 6 आएगा, 20 साल से होता था कि डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होता था, अब सेल कर दिया है। आई डोंट नो इन लोगों को क्या प्रॉब्लम होगा कि 31 मार्च को एक गाड़ी नहीं होनी चाहिए, इट्स सो वेरी डिफिकल्ट। फिर बीच में आपने EVs कर दिया, अब इंश्योरेंस बढ़ा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, फाइनेंशियल में NBFCs फाइनेंस नहीं दे रहे हैं। अगर ये सब क्यूमुलेटिव देखें तो मैं कहूँगा स्टिल नॉट बैड, इट कुड बी वर्स, बट आई थिंक द वर्स्ट पीरियड इज़ कमिंग नाउ, जब ये Euro 6 लाएंगे, उससे कीमतें और बढ़ जाएंगी। कुछ दिनों के लिए बिकेंगी जो पुरानी होंगी, उसके बाद वो शुरू हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में अगला साल डेढ़ साल तो इंडस्ट्री के लिए मुश्किल होगा। आपको क्या लगता है गुलाटी जी, कुछ बाउंस बैक होने की उम्मीद है, कब तक है? आप तो लगातार कंज्यूमर्स के संपर्क में रहते हैं, और उनका क्या सेंटिमेंट कैसा है? देखिए, इसका बाउंस बैक कोई तुरंत नहीं दिख रहा आगे, और जैसा कि सर ने कहा है, अभी टाइम लगेगा। और मेरे ख्याल से हम कुछ फेस्टिव सीज़न जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2020 का है, तब तक तो ये स्थिति ऐसी ही रहेगी। थोड़ा बहुत बीच में उतार चढ़ाव चलता रहता है, जिस तरह हर इंडस्ट्री में होता है,
अब जैसे अभी जब BS6 लॉन्च होना है तो प्री बाइंग आपको एक दो महीने में अच्छी दिखेगी, लेकिन जैसे ही BS6 लॉन्च होगा तो एक दो महीने का जो प्राइस इंक्रीज होगा उसकी वजह से वो सेल का ग्रोथ घटेगी, तो बेसिकली एवरेज वही रह जाएगा, बहुत अच्छी इंडस्ट्री नहीं जाएगी। अभी जैसे फिर दिसंबर की स्कीम आएगी तो एक मंथ उठेगा, बट अगर एवरेज आप बात करिए तो ये 1.5 साल जो आगे आने वाला है अक्टूबर 2020 तक, मुझे बहुत अच्छा ऑटो ट्रेड के लिए नहीं लगता है। क्या कोई इंडस्ट्री डिसीजंस भी हैं जो गलत रहे हैं या सरकार के डिसीजंस रहे हैं ऐसे, जो कुछ ऐसी सिचुएशंस रही हों जहां पर कंफ्यूजन रहा हो? देखिए, एक तो कंफ्यूजन जो सुप्रीम कोर्ट तक गए थे कि यूरो 6 का पैरामीटर्स क्या होंगे। पिछली बार जब सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक हफ्ते के लिए टाइम दिया था या करने की 4 दिन के लिए दिया था, इंडस्ट्री लॉस 400-500 करोड़ टू सेलिटेट अ डिस्काउंट। सो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज अ ट्रांजिशन, इन दिस ट्रांजिशन द प्राइसेस विल गो अप, इन दिस ट्रांजिशन द डीजल प्राइसेस विल गो अप सो हाई दैट पीपल विल विथड्रॉ। बिकॉज नंबर दो, आप देखिए, अगर ये प्राइस इतनी इंक्रीज नहीं होती, अगर यूरो 4 से यूरो 5 जाते फिर यूरो 6 जाते, व्हेन यू लीप फ्रॉग द प्राइस गोज अप बिकॉज द टेक्नोलॉजी चेंजेस। सो आई मीन दीज आर द डिसीजंस विच, एंड लेट मी बी फ्रैंक, यूरो 6 आने से कोई आपकी पोल्यूशन कम नहीं होनी है। पोल्यूशन इज फॉर द व्हीकल्स ऑन द रोड, उसके बारे में तो स्क्रैप वाली पॉलिसी है कई सालों की, 20 साल पुरानी गाड़ियाँ हैं, कार्बोरेटर्स की चल रही हैं, तो isn't it muddled up? They want to bring Euro 6. और Euro 6 में देखिएगा कि मेरे ख्याल में इंडस्ट्री ने 70-80 हज़ार करोड़ लगाया है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने 70-80 लगाया, उसके ऊपर कहते हैं कि 4 साल में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल लाएंगे, तो क्या, isn't that confusion? I mean people will postpone. You see, car is not a, now is becoming, they are getting options. Aspiration की जगह पे अब पॉइंट टू पॉइंट होता जा रहा है, you need not have extra cars, you can do without it. So I think all this will reduce the demand for the cars. Not that road mileage will go down, but there will be alternatives, there will be pooling. Then metro is becoming a bigger one. And my information is that in large cities, it seems to be a saturation because people can't, if they purchase, where do they park? If they take it out, where do they have a parking lot? All that is dissuades the persons. गवर्नमेंट के रेगुलेशन में एक और चीज़ है, इन्होंने जितने भी रेगुलेशंस लाए हैं कुछ एक बार में लाने या प्रोसेस ठीक नहीं है। अब जैसे 1 अप्रैल में इन्होंने ABS EBD का वो स्टार्ट किया, जिसकी वजह से 2-व्हीलर में लगभग 7,000 रुपये रेट बढ़ गए और 4-व्हीलर में लगभग 17-18 हज़ार बढ़े। अभी उस प्राइस को एक कस्टमर ग्रैस्प भी कर पा रहा है कि 1 जुलाई से अब एयरबैग्स कंपलसरी हो गए, तो वो एक अनदर 10-15 हज़ार 20 हज़ार डिपेंडिंग गाड़ी की प्राइस से बढ़ेगा। अभी हम उससे ही निकलेंगे, कुछ फेस्टिव सीजन क्रॉस करेंगे कि वो BS6 की डर से आगे सामने आ जाएंगे कि अगर मैं आज BS4 गाड़ी लेता हूँ तो BS6 वाला फ्यूल मेरा चल पाएगा नहीं चल पाएगा। तो आज की डेट में हम एक कस्टमर को इतना परेशान कर दे रहे हैं, भ्रमित हो जा रहा है वो कि वो सोच नहीं पा रहा, वो सोच रहा है चलो रुक जाए। ये सब तो समय की ज़रूरत थी, ABS लेकर आना, सीट बेल्ट की नोटिफिकेशन वगैरह, ये सब तो होना ही था। इसमें कस्टमर के पास अगर इसका कॉस्ट जाता है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो कहना ये है कि आप करिए, लेकिन कम से कम एक डेट में करिए। आप अगर हर तीन महीने में एक रेगुलेशन लाएंगे तो जो पूरी प्रणाली है, जो सप्लाई चेन है, वो एक डिस्टर्ब होती। जैसे एक डीलर के पास ABS के बिना वाली गाड़ी भी खड़ी होगी, ABS के साथ वाली भी खड़ी होगी, तो क्या मैं एक कस्टमर से कहूँगा कि यार तुम्हारी सेफ्टी ABS वाली से है, ये वाली मत लो, और मैं उस गाड़ी को क्या करूँगा? अगर ये एक ही डेट है, मान लीजिए जैसे BS6 उन्होंने 1 अप्रैल दी, उसी में सारा कुछ इम्प्लीमेंट कर देते तो एक ही चीज़ बड़ी होती कि BS4 है और BS6 है। आज एक कस्टमर को बताना कि ये गाड़ी अगर आप लेंगे तो आपकी जो लाइफ है उसकी हमें उम्मीद कम रहेगी, या हम आपकी सुरक्षा के लिए नहीं काम कर रहे, गलत मैसेज जाता है। जो भी नियम रहे वो ठीक है, ज़रूरी है, ये सब सेफ्टी, ये सब इम्पॉर्टेंट है, बट शायद एक बार में लॉन्च होने में इसको जो कस्टमर की एक्सेप्टेबिलिटी है वो बेटर हो जाती है। लेकिन फिर भी सॉरी, एक लोग भूल रहे हैं कि सेकेंड हैंड कार मार्केट इज़ बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट लास्ट ईयर सेकेंड हैंड कार मार्केट का ग्रोथ न्यू कार से ज़्यादा हुआ जी, है जी। दूसरा ये देखिए, जो आजकल गाड़ियाँ आ रही हैं वो 1 लाख किलोमीटर तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता,
और लोग चलाते ज़्यादा नहीं हैं, 3-4 साल में चेंज कर देते हैं। मैंने खुद सेकेंड हैंड खरीदी है। एक बार मैंने कहा था कि रिच पीपल बाय न्यू कार्स, रैशनल पीपल बाय सेकेंड हैंड कार्स। सो पीपल आर डूइंग दैट फॉर द सेम अमाउंट ऑफ मनी यू गेट अ बिगर कार। सो यू हैव टू लुक एट दैट पार्ट ऑफ द ग्रोथ ऑल्सो एंड देयर विल बी मेनी पीपल हु विल बाय वन न्यू वन सेकेंड हैंड। फर्स्ट टाइम बायर्स विल गो देयर। ये माना जाए कि बहुत सारे फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम कार इंडस्ट्री हैं, जैसे कि सेकेंड हैंड कार्स की अच्छी अवेलेबिलिटी और जेन्युइन प्रोडक्ट्स, उसके बाद पार्किंग की समस्या कि आप कहाँ गाड़ी पार्क करेंगे, मेट्रो वगैरह का फैसिलिटी जिससे कि आपको एक्चुअली ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, क्या यंगर जनरेशन का माइंडसेट भी कुछ चेंज हुआ है ओला उबर इन सब की वजह से कि क्या ज़रूरत क्या है गाड़ी खरीदने की, क्या ये सब यही सब वजह है? दिस इज अनदर वन आई हैव दैट इन माइंड कि यंग पॉपुलेशन के लिए पहले एस्पिरेशन था, आज अखबार में दिखा रहे हैं उनके लिए अब विदेश जाना ज़्यादा ज़रूरी है। पहले वो EMI में गाड़ियाँ खरीदते थे, अब वो EMI में यहाँ से साउथ अफ्रीका जाती हैं। सी द होल एस्पिरेशन इज चेंजिंग एंड एज फार एज दे आर कंसर्न पूल कर लेते हैं, यंगस्टर्स गेट टुगेदर। आज आपके कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बन गए हैं, एक जगह पे इकट्ठे हैं, RWAs में इकट्ठे रहते हैं। यू सी द होल डायनेमिक्स ऑफ द सोसाइटी इज चेंजिंग एंड पीपल आर चेंजिंग देयर प्रायोरिटीज। इन फैक्ट सम पीपल से दैट व्हाई डू यू नीड टू बाय अ हाउस, यू ओनली टेक इट ऑन रेंट सो दैट यू आर नॉट टाइड अप टू अ सेम प्लेस, यू कैन कीप ऑन चेंजिंग। सो आई थिंक दीज प्रायोरिटीज आर चेंजिंग एंड कार इज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री विच इज गेटिंग। तो क्या कार कंपनियां इस सब के लिए तैयार नहीं थी? क्या उनको नहीं पता था कि इस तरह से चेंज होंगी चीज़ें? नहीं, कार कंपनियां हमेशा से तैयार थी, लेकिन एक जो उनकी एक उम्मीद है, एस्पिरेशनल ग्रोथ है, वो उनके दिमाग में हमेशा रहा। हर कार कंपनी एक दिमाग में रही कि हमको एक डबल डिजिट ग्रोथ पे आना ही आना है। लेकिन अब ये जिस तरह के बीच बीच के चेंजेस आए जो गवर्नमेंट के रेगुलेशन से आए, और ये जो इंडिया का मिलेनियल कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से अपनी उम्मीदें बदल रहा है और अपने स्टाइल्स बदल रहा है, वो शायद उनके एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा दूर रहे। उनको उम्मीद थी कि अभी इंडिया में मिलेनियल अभी भी टाइम लगाएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे सूचनाएं और इन्फॉर्मेशन शेयर होनी चालू हो गई हैं कि बल्कि अभी तो एक लेटेस्ट एक सर्वे आया था कि अगर आपकी ने एक गाड़ी खरीदी है तो 850 रुपये प्रतिदिन आपका गाड़ी पे खर्चा आता है, मेंटेनेंस, ड्राइवर, गाड़ी की EMI। कैलकुलेट किया है, इफ यू हैव अ कार रीजनेबल मीडियम साइज विद अ ड्राइवर, द कॉस्ट टू द ओनर इज 25 रुपीज अ किलोमीटर। सो वही बात है कि अगर 850 रुपये रोज या 25 रुपये किलोमीटर गाड़ी की कीमत आपको आ रही है, तो क्या एक दिन में आप ओला उबर से 400-500 में काम चला सकते हैं? इस तरह की कैलकुलेशन हमारे इंडिया के लोग पहले नहीं करते थे। उनके लिए एक कार खरीदना एक एस्पिरेशनल थी, एक इमेज थी कि मेरे घर के बाहर एक गाड़ी खरीदी है। पहले होता था एक गाड़ी खड़ी हो, फिर होने लग गया कि एक मारुति खड़ी हो, फिर अगर और पैसा है तो एक महिंद्रा खड़ी हो, एक SUV खड़ी हो। वो इमेज अब धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही, क्योंकि लगभग हर घर में एक गाड़ी अब पहुंच चुकी है। अब वो इमेज से हट करके अब पॉइंट टू पॉइंट यूटिलिटी इंपॉर्टेंट होती जा रही है। और जैसा कि सर ने बताया, इतने सारे और कारण हैं जिसकी वजह से वो माइंड डाइवर्ट हो रहा है। तो इस वजह से भी ये जो गिरावट आई है उसका एक मिक्सचर सा बड़ा रीज़न। बट बिफोर योर listeners get a feeling that there is no future in car industries, that is not correct. Our penetration of car is still 20 per 1,000. Of course, when I joined Maruti, it was 8, so we have three times. This is an atmosphere which is created. You know, when I joined Maruti, our rate of interest for cars was 22%. Today it is 8-10%. Purchasing power is more, salaries are more. ये एक होता है, हर जगह में एक फेज़ होता है। इस ये फेज़ ऐसे है कि कुछ नेगेटिव आ गए हैं, सो प्लीज़ पॉजिटिव्स आर कमिंग दैट इट विल कम अप अगेन, एवरीथिंग इम्प्रूव्स। आई मीन एंड समटाइम्स इट इज़ गुड, वंस यू गो थ्रू दिस देन आई थिंक इट ऑल्सो गिव्स द इंडस्ट्री एंड द मैन्युफैक्चरर्स एन अपॉर्चुनिटी ऑफ इम्प्रूविंग इन ऑर्डर टू कट डाउन कॉस्ट एंड इम्प्रूव delivery, customer satisfaction। तो जिस पॉजिटिविटी की मिस्टर खट्टर बात कर रहे हैं और जो रिवाइवल की बात कर रहे हैं, उसी के लिए शायद कंपनियां नई कारें भी लॉन्च कर रही हैं, लेकिन उस सबका कितना हो रहा है फायदा, बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। वो अभी भी गूंजता है जो वर्ड है ना, इसका फादर तो बाल काटता है, अभी तक मेरे दिमाग में गूंजता है, और शायद मुझे लगता है कि उसी को साबित करने के लिए मैं यहां पहुंच पाया हूं। इस कंट्री का हर दूसरा हेटर सर
आज मुझसे ट्रेंड है, वो चाहे तमिलनाडु हो, चाहे वो केरला हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, ट्रेंड बाय जावेद हबीब और हबीब, बिकॉज आई थिंक इट्स अ फैमिली, आई थिंक दैट्स अ रेवोल्यूशन, एंड रेवोल्यूशन इज एजुकेशन ओनली। हाय, दिस इज जावेद हबीब द सीजर मैन, और आप मुझे मिल सकते हैं, देख सकते हैं हमारे प्रोग्राम जिसका नाम है गुफ्तगु, और हंसते रहो, अगर हंसोगे ना बाल नहीं टूटेगा, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। पिछले 5-6 साल से भारतीय कार बाजार थोड़ा सा धीमा चल रहा है, लेकिन उसमें जान फूंकने के लिए क्या कुछ हो रहा है और कितने रिवाइवल की उम्मीदें हैं, इस सब पर आज हम कर रहे हैं चर्चा। मिस्टर खट्टर, ये बताएं कि मंथ और मंथ अगर ग्रोथ की बात करें तो थोड़ा सा नेगेटिव है या ना के बराबर है, लेकिन त्योहारों तक क्या स्लो डाउन रहेगा या फिर मानसून अगर अच्छा रहता है तो उम्मीद बढ़ेगी? देखिए, जो मालूम हुआ है मेट्रोज में, बड़ी सिटीज़ में स्लो डाउन ज़्यादा है, और रूरल एरिया में इज स्टिल बेटर, बट वी ऑल्सो अवेयर के रूरल एरियाज़ में थोड़ा सा टेंशन प्रेशर रहा है, स्ट्रेस रहा है। अब अखबार में पढ़ें तो फूड ग्रेन्स की कीमतें बढ़ रही हैं, विच आई थिंक इज़ वेरी गुड फॉर द फार्मर्स, मे नॉट बी गुड फॉर अस, बट दे मस्ट गेट देयर ड्यू, सो दैट विल इम्प्रूव, एंड अलॉन्ग विद फाइनेंसिंग। यू सी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज your ICICI bank and others who were very aggressive had withdrawn. NBFCs were a problem since last September, October. They were the ones who were giving 40, 50, 60% of financing. So when 80% of the buyers use finance, agar wo wahan pe squeeze ho jata hai, to effect hona hi hai. Lekin ab gradually khulne lag gaya hai. So I am not so pessimistic about future, that things will come back, they will be normal, but whether it is going to be growth in that area, that type, I'm not very sure. But things will be there. I think at the end of the day, marketing chaps' job is to sell what they have. वो तो घरों में जाके बेचना चाहिए, उनको घरों में जाके रिप्लेस करना चाहिए, हम करते थे। I have been through 2 lean periods. Our sales didn't go down. हमने औरों का शेयर लेके किया था, औरों के घरों में जाके बेचा था। So they have to do it. It's not that the customers are not there. Customers are only docile, बैठ गए हैं। You got to make their mind make up. तो कस्टमर्स को एक्साइट करने के लिए न्यू लॉन्चेस हो रहे हैं, लेकिन वो भी इतने ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं। हमने देखा कई सारी कार्स हैं जो लॉन्च हुई, लेकिन उनकी जो सेल्स नंबर्स हैं वो पहले महीने फिर भी थोड़ा सा ठीक रहे, लेकिन फिर कम होते जा रहे हैं, क्यों? नहीं, देखिए, मार्केट बहुत अच्छी इस समय नहीं है, सेंटिमेंट्स डाउन है। सर ने बताया जैसे रूरल मार्केट इस समय मेजरली एक बड़े ही लो फेस पे चल रही है, अभी तक भी हमेशा से रहा है, पिछले कई सालों से मेट्रो की ग्रोथ परसेंटेज नीचे ही रही है, रूरल की ग्रोथ परसेंटेज डबल डिजिट पे हमेशा रही है, अब वो डबल डिजिट से सिंगल डिजिट पे आ रही है, तो ओवरऑल हमको डीग्रोथ नज़र आ रही है। और ये नई गाड़ियाँ जितनी भी आती हैं वो मेजरली मेट्रो या बड़ी मार्केट पर पहले इफेक्ट लाती हैं, रूरल कस्टमर किसी नई गाड़ी पर तुरंत पहले दिन नहीं पहुँचता, वो 3-4-6 महीने बाद गाड़ी देख लेता है, गाड़ी का रख रखाव और कस्टमर का व्यू अगर अच्छा होता है तभी गाड़ी पर शिफ्ट करता है। तो एक रूरल की बाइंग में एक बहुत बड़ा रीज़न है कि उनको गाड़ी की स्टेबिलिटी और फ्यूचर रीसेल, ये सब चीज़ें उनके लिए इम्पोर्टेंस होती हैं, जबकि शहर या शहर में मेट्रो लें, कैपिटल टाउन्स लें, टियर वन टाउन्स लें, उनके लिए एस्पिरेशन होती है कि ये नई गाड़ी आई है मुझे लेनी है, या ये पहली गाड़ी होनी चाहिए मेरे शहर में, मेरे मोहल्ले में, व्हाटएवर। तो इस वजह से नई गाड़ियों का क्रेज़ ज़्यादातर मेट्रोज या मेजर टाउन्स में मिलता है, जहाँ पर इस समय बहुत अच्छी मार्केट नहीं है। और ये कहना कि सारी ही गाड़ियों में गिरावट आई है वो बात नहीं है। इधर आप अगर लेटेस्ट देखें तो शायद महिंद्रा की XUV 300 आई है जो अच्छी चल रही है इस समय, अभी भी 6 महीने के बाद, 4 महीने के बाद लॉन्च में। हाल में तुरंत अब वेन्यू और वेक्टर, हेक्टर और ये सब आ रही हैं, तो उम्मीद है कि ये कुछ ना कुछ एक मार्केट में एक हाइप क्रिएट करेंगे जिससे बाकी की गाड़ियों में इफेक्ट आएगा। बट ये कहना कि पूरी इंडस्ट्री को ग्रोथ में ले आएंगे, ये पोजीशन नहीं है। एक आई थिंक थोड़ा सा हमारा नई गाड़ियों का आने का मैन्युफैक्चरर नई गाड़ी कब लाता है, जब कोई एक एग्जिस्टिंग गाड़ी पुरानी हो रही है, उसकी सेल डाउन जा रही है, देन यू ब्रिंग अ न्यू वन, सो यू आर ओनली रिप्लेसिंग द ओल्ड सेल विद द न्यू सेल, इट डज नॉट मीन इंक्रीमेंटल सेल, सो इट इज नॉट ऑलवेज द सेम। आई मीन यू विल सी
एक नई गाड़ी आती है वो यहाँ पहुँचती है, जब नीचे जलने लगती है तो नई वाली ऐसे आती है, वो नीचे चली जाती है, तो इट रिमेन्स द सेम. सो आई थिंक दिस होल आइडिया, लेकिन उस मैन्युफैक्चरर के लिए फुटफॉल्स बढ़ जाते हैं उनके शोरूम में. अगर उनकी हैं वो देखने आएंगे ए, खरीद ले जाएंगे बी, लेकिन ए नहीं है तो वो आएंगे नहीं. तो अब तो सेल्समैन पे डिपेंड करता है. सो टू से दैट न्यू कार्स विल मीन इंक्रीमेंटल सेल इज नॉट ऑलवेज. शोरूम्स की आपने बात की, हमें जो फीडबैक मिलते हैं वो ये भी कि कई तो ऐसी नामी गिरामी कंपनियों के शोरूम्स हैं जो बहुत बोरिंग हैं. वहाँ पर जो कस्टमर सर्विस के लोग हैं वो फीचर्स में डिफ्रेंसिएशन ही सही से नहीं बता पाते, लाइटिंग इतनी प्रॉपर नहीं है. सो शोरूम्स मैटर करते हैं, आप ज़्यादा बता पाएंगे? देखिए शोरूम्स मैटर करते हैं बट इतना ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं. मतलब पहले से ही गूगल पे सब कुछ कर दिया आजकल. आज की डेट में किसी भी सेल्समैन से कस्टमर ज़्यादा जानता है. फर्क क्या है, उस सेल्समैन के लिए एक गाड़ी है, उस कस्टमर के लिए उसकी एटलीस्ट 3-4 साल 5 साल की पूंजी है. तो जितना भी आप ट्रेनिंग दे दीजिए एक सेल्समैन को, कस्टमर के पास बहुत सारे रिव्यूज़ होंगे, बहुत सारी वेबसाइट से इंफॉर्मेशन होगी, और शायद कुछ वो कस्टमर्स के वोमिटिंग भी पड़ोसियों के लेके आएगा कि उसकी क्या एक्सपीरियंस है, जो एक सेल्समैन को नहीं हो सकती. सेल्समैन को फीचर्स पता होंगे लेकिन हर फीचर का प्रैक्टिकल रोड पे यूज़ और उसका बेनिफिट वो शायद उस कस्टमर को किसी और कस्टमर के द्वारा ज़्यादा पता होगा. और हर फीचर का बेनिफिट हर शहर में डिफरेंट हो जाता है. सो मे बी एक ऑटोमेटिक अगर आप इलाहाबाद या प्रयागराज में बेचना चाहें तो बिल्कुल नहीं है, कोई फायदा नहीं उसका. लेकिन आज एक दिल्ली में ऑटोमेटिक की बात करें तो उस फ्यूचर के बिना शायद वो कस्टमर गाड़ी नहीं खरीदे. सो हर सेल्समैन की हर शोरूम की वैल्यू डिफरेंट होती है. और इस बारे में बोलना चाहूंगा, जो शोरूम का जितना हम भव्यीकरण कर रहे हैं ये एक्चुअली सेल्स पे इफेक्ट नहीं करता, ये बल्कि सेल्स पे और प्रेशर डालता है. इससे ऑटोमेटिकली जो एक्सपेंस है बढ़ता है और एक डीलर को कुछ गाड़ी ज़्यादा बेचनी पड़ती है उस एक्सपेंस को कवर करने के लिए, जो इनडायरेक्टली अगर तो सेल अच्छी रही तो भगवान करे कवर हो जाता है, जब नहीं हुई तो इसका इफेक्ट गाड़ी के सेल पे, कस्टमर के सेल अमाउंट पे भी पड़ता है, एक्सपीरियंस पे भी पड़ता है. मैं हुंडई की एग्जांपल लेना चाहूँगी. पहले ये बात होती थी कि हुंडई हमेशा एक स्मॉल कार मैन्युफैक्चरर ही बन के रह गई है, क्योंकि चाहे वो बड़ी कारें भी अपने शोरूम में रखे लेकिन लोग नहीं खरीद रहे हैं. तो फिर उन्होंने अपना इमेज भी चेंज किया और आज वो प्रीमियम या कहीं क्रेटा ज़्यादा उनकी बिकती है बाकी कारों से. सो इससे कुछ फ़र्क पड़ता है? नहीं, तो क्रेटा इसलिए नहीं बिकती कि शोरूम अच्छे में क्रेटा इसलिए बिकती है कि गाड़ी अच्छी है. उस गाड़ी को देख के चाहे गांव वाला हो चाहे शहर वाला एक बार कहता है कि ये गाड़ी दिखने में अच्छी है. वो ले चाहे कुछ भी चाहे, अगर मान लीजिए वो मारुति का कस्टमर है, मारुति लॉयल है, लेकिन क्रेटा की बुराई नहीं कर सकता. वो चाहे मारुति लॉयल है मारुति ले लेगा, महिंद्रा का कस्टमर महिंद्रा ले लेगा. मान लीजिए उसे ऑफ रोडर लेनी है तो शायद क्रेटा नहीं लेगा, महिंद्रा की लेगा, लेकिन वो गाड़ी के बारे में नेगेटिव नहीं बोल सकता. सो शोरूम इम्पोर्टेंट है. एक बेसिक हाइजीन, एक अच्छा शोरूम, एसी चलता हुआ, वेलकमिंग गेस्ट, ये सब बहुत जरूरी है. बैठने की अच्छी जगह, जैसे हमारे घर पे होता है. हमने तो सुना है कुछ टेस्ट ड्राइव कार्स भी होती हैं जो अंदर से भी इंटीरियर्स क्लीन नहीं करते हैं, इतनी डर्टी होती हैं. क्या वो आपने ये शोरूम को मिला, आई थिंक इट्स बीन अ डिजास्टर्स एज फार एज द डीलर्स आर कंसर्न्ड. एवरी न्यू मैन्युफैक्चरर सेज माय शोरूम शुड बी 3 levels ऑल ग्लास एंड ऑल. डज द इकोनॉमिक्स ऑफ द बिजनेस जस्टिफाई दैट? जब हमने मारुति में शुरू किया था तो हमारे वो जापानीज ने बोला, खट्टर सन, डोंट मेक देम इन्वेस्ट मोर, लेट देम अर्न एंड इन्वेस्ट. तो हम लोगों ने बहुत सिंपल शुरू किए थे, इन्वेस्ट किया. तो आज देखिए जो नए नए मैन्युफैक्चरर्स आ रहे हैं वो मालूम नहीं कौन है, ये डीलर्स हैं जो इतने इतना खर्चा करते हैं और बाद में क्या होता है, सेल नहीं होती है, बंद हो जाते हैं. नहीं नहीं, यह सर्विस में फिर लूटते हैं, दे हैव टू मेक देयर एंड्स मीट, सो द साइकिल इज एडवर्स. सो आई थिंक इट्स अ वेरी डबल एजेड थिंग. एंड As he mentioned, it should be reasonable and all, but don't make them over-invest in the beginning. If the dealer is strong, the sales will take place. Don't make your dealers weak. That's all. ये जैसे नई अगर global companies की बात करें, वो अभी भी interested हैं भारत में, चाहे किया मोटर्स हो या मॉरिस गराज हो, हम कुछ और नाम भी सुन रहे हैं. तो मतलब कि भारतीय बाजार में अभी भी पैट बना सकते हैं विदेशी कंपनियाँ, जबकि जो अभी जो कंपनियां हैं वो बहुत अच्छा नहीं कर रही हैं. फॉर एग्जांपल रेनॉ की बात करें या फोर्ड की बात करें, स्कोडा की बात करें, फॉक्सवैगन या निसान की भी बात करें, तो इतना अच्छा नहीं कर रही हैं, लेकिन फिर भी अट्रैक्ट कर पा रहे हैं विदेशी कंपनियों को. कोई नहीं, क्या वजह क्या है ये, थोड़ा सा प्रेशर. यू हैव 12-20 कंपनीज
एवरी वन हैज़ ओवरसीज ऑफिस. अब आपको रिव्यू करते होंगे कि इंडिया में कौन कौन गए, हम क्यों रह गए, जब बाकी बेवकूफ़ थोड़ी हैं हम जाएँ. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. एंड देन पर्सन हु इज़ डीलिंग विद इट कहता है फिक्र ना करिए, 5 साल में बहुत बढ़िया होगा. तब तक वो चल बना के चला जाएगा, तब तक सक्सेसर है टू डील विद द प्रॉब्लम. फिर इंडिया प्रेसिडेंट चेंज हो जाएगा. यू नो दिस इज सॉर्ट ऑफ अ साइकिल. अदरवाइज पीओ हैज कम ट्वाइस एंड कमिंग बैक अगेन. नाउ दे आर कमिंग विद अ न्यू सिट्रॉन नेम. सो व्हाट आई एम सेइंग इज येस देर इज अ सैचुरेशन और नो ग्रोथ इन अदर कंट्रीज. इंडिया हैज ऑल द प्रॉस्पेक्ट ऑफ डूइंग इट. इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर इज इम्प्रूविंग. इंडियाज बिजनेस थिंग्स आर इम्प्रूविंग एंड ऑल. Financing is there in a big way. So yes, there is. So they would like to be here, but they are big enough to suffer for a few years. And before they realize, then they'll have to take another view. Khattar sahab, ek aakhri sawal puchungi, aap se bhi uski reaction lungi. Nano, bade fanfare ke saath aayi thi, choti car Bharat mein chalegi, sadkein kam hai ya choti hai ya whatever, aur nano bahut chalegi. Lekin nano chali nahi, balki ab band karni pad gayi. तो आप छोटी कारों के शहंशाह थे. ऑल्टो हालांकि अभी भी बिक रही है, नंबर वन पर कभी कभी रहती है, 23-24 हज़ार अगर कह लो तो. तो कैसे देखते हैं आप छोटी कारों के बाजार को और खासकर नानो को? मैंने जो उस वक्त कहा था वो ठीक निकला है. नानो वॉज अ वेरी आइडियल कार एट दैट टाइम. लेकिन जो आदमी पहली बार खरीदता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुडंट से दैट बट एनीवे नाउ इज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री. Why should it be the cheapest car? You don't make a car cheap for a person who's aspiration to buy a car. You know, I wanted to buy one myself. Mere ghar walon ne bola kya kar rahe ho papa? Maine bola mera daftar agar pass mein hai, main kyun chalaunga badi gaadi? So I think it cheap car was there. Number two, that car caught fire. 3 or 4 cars. Shuru mein. They never owned up. हम मारुति में एक प्रॉब्लम होता तो हम एडवर्टाइज करते थे, हमसे गलती हो गई, हम ये करेंगे. नाउ स्टार्ट ड्रीमिंग. अगर टीवी में आई है, कार चल रही है, जो खरीदेगा उसको डर लगता है. सो आई थिंक अ कम्बिनेशन ऑफ दीज थिंग्स रियली एडवर्सली अफेक्टेड. एंड थर्ड, दैट इज अगेन इम्पॉर्टेंट, आपने 1 लाख में बेचनी है तो आपने डीलर को कमीशन कम दी इन ऑर्डर टू रीच दैट प्राइस. डीलर को कमीशन पूरी देनी चाहिए जो वो बेचेगा, क्योंकि कीमत कम है तो कमीशन कम दिए तो डीलर का इंटरेस्ट कम हो जाता है. तो आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स व्हिच वेंट रॉन्ग. ये इस बारे में मैं ही कहना चाहूँगा कि हर हिंदुस्तानी घर के लिए 2-व्हीलर एक नॉर्मल चीज़ है. और जब भी वो कार लेता है ये उसके लिए एक बहुत ही बड़ी डिसीजन होती है. और अगर कोई कार ले और उसको ये कहा जाए कि चीपेस्ट कार, या मतलब वो एक इमेज बिल्डिंग नहीं होती है. वो उसके बदले चाहेगा, जैसे अल्टो है तो उसकी सेकंड हैंड अल्टो उतने रेट में ही खरीद लूँ. मैं एक कार भी खरीदूँ और कहलाऊँ भी कि मैं सबसे चीप गाड़ी खरीद के लाया हूँ, वो एक इमेज बहुत ही खराब थी. सुनिए जी, अगर मैं होता तो मैं सबसे पहले मर्सिडीज वालों को बेचता और उनके घर जाके कहते अपने डॉग को ले जाओ वॉक के लिए, सब्जी खरीदिए लेकिन नानो रखिए. इमेज चेंजेस इटसेल्फ. आई मीन इट्स ऑल अ परसेप्शन एंड इमेज. नहीं, अगर वो उसको इमेज की तरह बिल्ड करते कि एक जो परिवार के लिए एक गाड़ी जरूरतमंदों के लिए या उस तरीके के लिए बेटर होता. उनकी प्रोडक्शन मतलब मार्केटिंग का बेसिक प्लान ही चीप पे चला था. चीपेस्ट कार की वजह से वो जो टैग लग गया वो एक गलत चीज हो गई. अब मारुति सुजुकी जो एक्सपोर्ट कर रहा है, हम सबको कहते हैं कि आप तो मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू नहीं, दिस इज योर थर्ड कार इन द फैमिली, इट्स एक्सेप्टेड, यू कांट रिप्लेस अ बिगर वन. So you have to accept your latest position. चलिए, आप दोनों स्टूडियो में आपका बहुत बहुत शुक्रिया. तो अर्थनीति में आज इतना ही. जिस तरह से हमारे गेस्ट ने बताया है कि बेशक थोड़ी सी रफ्तार धीमी है भारतीय कार बाजार की, लेकिन उम्मीद यही है कि जो BS6 जैसे स्पीड ब्रेकर्स हैं वो जल्दी ही दूर होंगे और ये रफ्तार तेज पकड़ेगी. आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी.